सीनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट पिछले कई दशकों से चला आ रहा एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। ये डिस्प्यूट भारत और चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत के बीच दो रिलेटिवली बड़े और कुछ छोटे छोटे इलाकों को लेकर है। इनमें से पहला एरिया है अक्साइ चिन। भारत के अनुसार अक्साइ चिन का इलाका भारत की यूनियन टेरिटरी लद्दाख का हिस्सा है, वहीं चीन इसे अपने ऑटोनोमस रीजन ऑफ शिनजियांग और तिब्बत का हिस्सा बताता है, जबकि शिनजियांग और तिब्बत दोनों पर ही चाइना ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। अक्साइ चिन 5,180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक निर्जन इलाका है, जिससे शिनजियांग तिब्बत हाईवे होकर गुजरता है। दूसरी डिस्प्यूटेड टेरिटरी मकमोहन लाइन के दक्षिण में है, जिसे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था और अब अरुणाचल प्रदेश के नाम से। मकमोहन लाइन 1914 के शिमला कन्वेंशन का हिस्सा है, जो कि ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच साइन किया गया था बिना चाइनीज एग्रीमेंट के, क्योंकि तब तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था। भारत इसी मकमोहन लाइन को अपने और चाइना के बीच लीगल ईस्टर्न बॉर्डर मानता है, जबकि चाइना ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसका कहना है कि जब ये शिमला कन्वेंशन साइन किया गया तब तिब्बत स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, बल्कि वो चाइना के अधीन था। 1962 में सीनो इंडियन वॉर इन दोनों ही इलाकों में लड़ी गई थी। चाइनीज ट्रूप्स ने पश्चिम में लद्दाख में स्थित इंडियन बॉर्डर पोस्ट्स पर हमला कर दिया था और पूर्व में मकमोहन लाइन पार करके अरुणाचल प्रदेश में घुस गए थे। इस युद्ध में भारत चाइना से हार गया था। 1967 में सिक्किम रीजन में एक और बॉर्डर क्लैश हुआ था, जिसमें चाइना को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 1987 और 2013 में दोनों सेनाओं के बीच डीएस्केलेशन द्वारा विवाद को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। 2017 में डोकलाम में भी दोनों सेनाओं के बीच 2.5 महीने तक चलने वाले स्टैंड ऑफ को भी डीएस्केलेशन द्वारा आगे बढ़ने से रोक लिया गया, जिसके दौरान दोनों तरफ के सैनिकों को काफी गंभीर चोटें आईं। जून 2020 में दोनों सेनाओं के बीच लद्दाख में कई झड़पें हुईं, जिसमें दोनों तरफ दर्जनों सैनिकों की मौत हुई। 2006 में मिलिट्री बिल्डअप के बीच भारत में चाइनीज एम्बेसडर ने दावा किया था कि पूरा अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। उस समय दोनों देशों ने सिक्किम के उत्तरी सिरे पर 1 किलोमीटर की दूरी पर घुसपैठ का दावा किया था। 2009 में भारत ने घोषणा की कि वो बॉर्डर पर अतिरिक्त मिलिट्री फोर्स डिप्लॉय करेगा। 2014 में भारत ने प्रस्तावित किया कि चीन को बॉर्डर डिस्प्यूट हल करने के लिए वन इंडिया पॉलिसी को स्वीकार करना चाहिए। अब विस्तार से जानते हैं अक्साइ चिन के बारे में। इस इलाके का लोएस्ट पॉइंट कराकश नदी पर स्थित है, जो कि समुद्र तल से 4,300 मीटर की ऊंचाई पर है। वहीं यहां स्थित बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियों की ऊंचाई समुद्र तल से 6,900 मीटर तक है। अक्साइ चिन एक उजाड़ और निर्जन इलाका है। यह लगभग 37,244 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहां प्राचीन व्यापार मार्गों के अलावा और कुछ नहीं है, जिनके द्वारा प्राचीन समय में शिनजियांग यानी ईस्ट तुर्किस्तान और तिब्बत के बीच व्यापार हुआ करता था। वेस्टर्न सेक्टर में सीमाओं के संबंध में सबसे पहले 1842 में एक संधि हुई थी। 1834 में पंजाब रीजन के सिख साम्राज्य ने लद्दाख को जम्मू राज्य में मिला लिया था। 1841 में उन्होंने तिब्बत पर हमला किया। यहां चीनी सेना ने सिख सेना को हरा दिया और बदले में लद्दाख में प्रवेश किया और लेह की घेराबंदी की। यहां सिख सेना ने चाइनीज सेना को आगे बढ़ने से रोका। इसके बाद चाइनीज और सिख सेनाओं के बीच सितंबर 1842 में एक संधि की गई, जिसके तहत यह तय किया गया कि दोनों पक्षों में से कोई भी एक दूसरे की सीमाओं में घुसपैठ या हस्तक्षेप नहीं करेगा। 1846 में अंग्रेजों ने सिखों को हराकर लद्दाख को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद बॉर्डर पर चर्चा करने के लिए अंग्रेजों ने चीनियों से मिलने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही पक्ष अपनी मौजूदा सीमाओं से संतुष्ट थे और इसलिए बॉर्डर को डिमार्केट नहीं किया गया। दक्षिण में पेंगोंग लेक
और उत्तर में काराकोरम पास इस बाउंड्री के दो छोरों को साफ तौर पर दर्शाते थे, लेकिन बीच का एरिया अनडिफाइंड ही रहा। 1865 में सर्वे ऑफ इंडिया में कार्यरत एक सिविल सर्वेंट डब्ल्यू एच जॉनसन ने जॉनसन लाइन प्रस्तावित की, जिसके अनुसार अक्षय चिन्ह का इलाका जम्मू कश्मीर में रखा गया। यह समय था डंकन रिवोल्ट का, जब शिनजियांग यानी ईस्ट तुर्किस्तान चाइना के कंट्रोल में नहीं था, इसलिए जॉनसन लाइन के बारे में कभी भी चीनियों से बात नहीं की गई। जॉनसन ने यह लाइन जम्मू कश्मीर के महाराजा के सामने पेश की, जिसके बाद महाराजा ने अक्षय चिन्ह में पड़ने वाले 18,000 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त इलाके और उत्तर में कुनलुन पर्वतों में स्थित संजू पास तक अपना दावा किया, जो कि जॉनसन लाइन के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य की सीमाओं में शामिल था। जम्मू कश्मीर के महाराजा ने शाहिदुल्ला में एक किला बनवाया और यहां अपने सैन्य दस्ते भी तैनात किए। शाहिदुल्ला आज के शिनजियांग प्रांत में जियादुल्ला के नाम से जाना जाता है। 1878 में चीनियों ने शिनजियांग पर कब्जा कर लिया और 1890 तक शाहिदुल्ला पर भी कब्जा जमा लिया। 1892 तक चाइना ने काराकोरम पास पर बाउंड्री मारकर खड़े कर दिए थे। 1897 में एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर सर जॉन अर्डॉग ने एक बाउंड्री लाइन प्रस्तावित की, जो शिनजियांग में स्थित यारकंड नदी के उत्तर में कुनलुन पर्वतों के साथ साथ जाती है। उस समय ब्रिटेन को रशिया की बढ़ती हुई ताकत से खतरा महसूस हो रहा था और चाइनीज इस इलाके में कमजोर पड़ रहे थे, इसलिए अंग्रेज इस कुनलुन पर्वतों के इलाके को अपने और रशिया के बीच एक बफर जोन की तरह रखना चाहते थे। ये बाउंड्री लाइन असल में 1865 की जॉनसन लाइन का ही मॉडिफाइड रूप था, इसीलिए इसे अर्डॉग जॉनसन लाइन के नाम से जाना जाता है। 1893 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक सीनियर चाइनीज ऑफिशियल ह्यूंग ता चेन ने इस इलाके के मानचित्र काशगर के ब्रिटिश काउंसिल जनरल जॉर्ज मकार्टने को दिए। 1899 में ब्रिटेन द्वारा एक रिवाइज्ड बाउंड्री प्रस्तावित की गई, जो कि पहले मकार्टने द्वारा प्रस्तावित की गई थी और बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड एल्गिन द्वारा तैयार की गई। इस बाउंड्री लाइन के अनुसार लेक्सिंग रेंज के दक्षिण में स्थित लिंगजी तैंग प्लेन्स को भारत की सीमा में दिखाया गया और लेक्सिंग रेंज के उत्तर में स्थित अक्षय चिन्ह प्रॉपर को चाइना में। इस बाउंड्री लाइन के अनुसार काराकोरम पर्वत ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच एक प्राकृतिक सीमा रेखा बनाते हैं, जिससे इंडस रिवर वाटरशेड ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आता था, जबकि तारिम रिवर वाटरशेड चाइनीज कंट्रोल में। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अंग्रेज चाइना द्वारा कंट्रोल्ड इस इलाके को रशियंस के खिलाफ एक बाधा के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। 1899 में सर क्लॉडे मैकडोनल्ड द्वारा भेजे गए एक नोट में यह मकार्टने मैकडोनल्ड लाइन चाइना की चिंग गवर्नमेंट के सामने पेश की गई, लेकिन चिंग गवर्नमेंट ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत के ब्रिटिश मानचित्रों पर जॉनसन अर्डॉग और मकार्टने मैकडोनल्ड दोनों ही बाउंड्री लाइनों का इस्तेमाल होता रहा। 1908 तक ब्रिटिश मैकडोनल्ड लाइन को ही बाउंड्री लाइन मानते रहे, लेकिन 1911 में शिनहाई रेवोल्यूशन के कारण चाइना में सेंट्रल पावर का पतन हो गया और वर्ल्ड वॉर वन के खत्म होने के बाद से ब्रिटिश औपचारिक रूप से जॉनसन लाइन का प्रयोग करने लगे। हालांकि उन्होंने जॉनसन लाइन पर अपनी सैन्य चौकियां बनाकर इसे अपने कब्जे में रखने की ओर कभी कोई कदम नहीं उठाए। 1927 में ब्रिटिश इंडिया द्वारा जॉनसन लाइन में एक बार फिर कुछ बदलाव किए गए। जम्मू कश्मीर रियासत की उत्तरी सीमा शिनजियांग के संजू पास से हटाकर काराकोरम रेंज के साथ साथ मान ली गई, लेकिन मानचित्रों में अभी भी कोई बदलाव नहीं किए गए और मानचित्रों में जॉनसन लाइन का ही प्रयोग किया जाता रहा। 1917 से 1933 तक पैकिंग में गवर्नमेंट ऑफ चाइना द्वारा प्रकाशित पोस्टल एटलस ऑफ चाइना में भी अक्षय चिन्ह को जॉनसन लाइन के अनुसार ही दिखाया जाता रहा। 1925 में प्रकाशित पेकिंग यूनिवर्सिटी एटलस में भी अक्षय चिन्ह को भारत का हिस्सा दिखाया गया। जब 1940-41 में ब्रिटिश अधिकारियों को पता चला
कि सोवियत अधिकारी शिनजियांग के वॉरलॉर्ड शेंग शिकाय के लिए अक्साई चिन का सर्वे कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बार फिर जॉनसन लाइन की वकालत की। लेकिन इस बार भी उन्होंने जॉनसन लाइन के अनुसार अक्साई चिन के बॉर्डर पर कोई भी सैन्य चौकियां बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। और ब्रिटिश अधिकारियों ने ना तो कभी चीनी सरकार और ना ही कभी तिब्बती सरकार से इस विषय पर चर्चा की, और इसीलिए भारत की आज़ादी के समय तक भी ये बाउंड्री अनडिमार्केटेड ही रही। 1947 में आज़ादी के समय अक्साई चिन भारत का हिस्सा था। आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पश्चिमी तिब्बत से लगने वाली अपनी बाउंड्री अर्डॉक जॉनसन लाइन के अनुसार फिक्स कर ली, लेकिन चीनी सरकार ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। भारत ने जॉनसन लाइन के अंतर्गत आने वाले शाहिदुल्ला और खोतान के इलाके पर दावा नहीं किया। भारत की क्लेम लाइन काराकोरम पास से काराकोरम पर्वतों के उत्तर पूर्व से होती हुई कुनलुन पर्वतों तक जाती है, और कराकश नदी के कुछ हिस्से और यारकंड रिवर वाटरशेड इसके अंतर्गत आते हैं। कुनलुन पर्वतों से ये बाउंड्री लाइन दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर अक्साई चिन के सॉल्ट फ्लैट्स और काराकोरम रेंज से होती हुई पेंगोंगसो लेक के करीब 40% भाग को अपने अंतर्गत लेती है। 1 जुलाई 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक मेमो इशू किया, जिसमें भारत के मानचित्रों में सुधार करके सभी फ्रंटियर्स पर निर्धारित बाउंड्री दिखाने के आदेश दिए गए। लेकिन आज तक भी जॉनसन लाइन के अनुसार अक्साई चिन सेक्टर में बाउंड्री लाइन अनडिमार्केटेड ही है। काराकोरम पास के पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण करने के लिए जॉनसन लाइन का प्रयोग नहीं किया जाता, जहां चीन का बॉर्डर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बाल्टिस्तान के साथ मिलता है। 13 अक्टूबर 1962 को काराकोरम पास के पश्चिम में पड़ने वाली इस बाउंड्री पर चीन और पाकिस्तान ने चर्चा शुरू की, और 1963 में दोनों देशों ने अपनी सीमाओं का निर्धारण करीब करीब मकाटने मैकडोनल्ड लाइन के अनुसार कर लिया, जिसमें से ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट का 5,180 वर्ग किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। हालांकि इस एग्रीमेंट में एक क्लॉज ये रखा गया कि कश्मीर विवाद हल होने पर इस बाउंड्री पर दोबारा चर्चा की जाएगी। भारत ने यह कभी स्वीकार नहीं किया कि चीन का पाकिस्तान के साथ कोई साझा बॉर्डर है, और भारत 1963 की चीन और पाकिस्तान की संधि को भी अवैध मानता है, और इस 5,180 वर्ग किलोमीटर के ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट पर भी अपना दावा रखता है, क्योंकि ये इलाका आज़ादी के पहले से ही जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था। लेकिन ये एक बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है कि भारत काराकोरम पर्वतों के उत्तर में पड़ने वाले शिनजियांग प्रांत के उस हिस्से पर दावा नहीं करता जो 1865 की जॉनसन लाइन के अनुसार जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लखावटी न्यूज़ सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।